हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी का चूरमा। बाजरे की रोटी बनाना ये मैंने ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे डाल रखा है। तो मैंने बाजरे की रोटी का चूरमा बनाने के लिए मैंने ये बाजरे की रोटी बना के रखी है। ये मैंने गुड़ वाली शक्कर ली है, ये आप गुड़ भी ले सकते हैं। ये मैंने देसी घी लिया है। इन तीन चीज से हम बनाएंगे बाजरे की रोटी का चूरमा। ये बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, और सर्दियों में ये बच्चों को, बड़ों को, सबको खाना चाहिए, क्योंकि बाजरे की तासीर जो होती है वो बहुत ही गर्म होती है, और इसको खाना बच्चों को, सबको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि बाजरे का चूरमा कैसे बनाते हैं। ये फ्रेंड्स, जो मैंने घी लिया था वो हम बाजरे की जो रोटी है उसके ऊपर हम पहले घी डाल देंगे अच्छे से। इसमें बहुत घी बहुत ज़्यादा लगते हैं, और फ्रेंड्स बाजरे में भी आयरन बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियों में बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। और गुड़ में भी आयरन होता है, इसलिए वो भी बच्चों को खिलाना चाहिए। तो गुड़ और बाजरे के चूरमा हम बनाते हैं आज। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो रोटी थी उसको मैंने अच्छे से हाथ से चूर लिया है, क्योंकि ये रोटी जो जब ठंडी हो जाती है तो इसका अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए हम गरम गरम रोटी को ही हमें अच्छे से घी मिला के और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ऐसे करके। ये बहुत इजीली हो जाती है। और फिर हम इसमें जो हमने ये घी, देखेंगे हम कि इसमें घी कम है तो हम घी और डाल देंगे। इसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए घी हम और डाल देंगे, और फिर हम इसको दोबारा से मैश कर लेंगे। ये जो हमने गुड़ की शक्कर ली है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। आप गुड़ को क्रश करके गुड़ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, बट इससे और भी टेस्टी बनता है ये वाला चूरमा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बना लिया है ये चूरमा, अच्छे से बन गया है। अभी हम इसको अच्छे से ऐसे ऐसे इसको लेके हाथ में, और यूं यूं करके हम गोल गोल से लड्डू बना देंगे छोटे छोटे, ताकि खाने में बहुत ही इजी रहता है। ये देखिए, इसमें हम कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते। आप चाहो तो आप डाल सकते हैं, मैं तो इसको ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बाजरे का चूरमा बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरे बाजरे के चूरमे की रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी बनाइए, खाइए, और मेरे को बताइए कि आपको कैसे लगे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।